बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जो लाखों दिलों की धड़कन, लाखों लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखाने वाली है। मेरी मुराद दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर पहचाने जाने वाले और पाकिस्तान के मशहूर उस्ताद जनाब कासिम अली शाह साहब हैं। कासिम अली शाह की पैदाइश 25 दिसंबर 1980 में पाकिस्तान के शहर गुजरात में हुई। 8 जनवरी 2018 में कासिम अली शाह फैमिली के साथ लाहौर आ गए। कासिम अली शाह सिविल ऑफिसर के तौर पर नुमाया हुए। आहिस्ता आहिस्ता पेशावर पब्लिक स्पीकर, मुसन्नफ, कालम निगार की तरफ रुझान किया। कासिम अली शाह ने मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से FSC की डिग्री हासिल की। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। बाद में सिविल सर्विसेज में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन बहुत जल्द इससे दस्तबरदार भी हो गए और बहसियत उस्ताद अपने कैरियर का आगाज किया। कासिम अली शाह 5 किताबों के मुसन्नफ और कासिम अली शाह अकेडमी के ऑनर हैं। अकेडमी लाहौर के एरिया गुलशन राबी में मौजूद है। 5 किताबों के मुसन्नफ कासिम अली शाह की पहली किताब का नाम कामयाबी का पैगाम है, दूसरी किताब का नाम जरा नम हो, जबकि तीसरी किताब वालदैन के मौजू पर लिखी जिसका नाम आपका बच्चा भी कामयाब हो सकता है, और चौथी किताब का नाम ऊंची उड़ान है जो बहुत पढ़ी जाने वाली किताब है। 5वीं किताब का नाम कामयाबी का सफर है। कासिम अली शाह ने रेडियो पर कामयाब प्रोग्राम किया जिसका नाम मंजिल का मुसाफिर था। इसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला चलता गया और लोगों को रहनुमाई मिलती गई। कासिम अली शाह पूरी दुनिया में मशहूर होने लगे और आज दुनिया भर में अपना नुमाया मुकाम रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सच की खोज को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।